नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे आज ट्रापेक्स 1 mg टेबलेट का और जानेंगे यह कब काम आती है, कितने दिनों तक लेनी चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कब यह काम आती है। वीडियो को पूरा देखिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। देखिए दोस्तों, ट्रापेक्स 1 mg टेबलेट एक एलोपैथिक मेडिसिन है। कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसे लेने से पहले जो कि पता होने चाहिए, जैसे कि इसे लेने से कई बार चक्कर भी आ सकते हैं, या कई बार वोमिटिंग हो सकती है, लाइट सरदर्द रह सकता है, या वेट गेन हो सकता है। ये कुछ साइड इफेक्ट है तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लेने से पहले पता होना चाहिए। देखिए, ट्रापेक्स 1 mg टेबलेट जो है ये सन फार्मा कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। एक ब्रांड नेम है ट्रापेक्स। इसके अंदर जो आता है वो है लोराजीपाम। लोराजीपाम दोस्तों बहुत खतरनाक सॉल्ट है, अगर आप बिना परिचेशन के इसे यूज करोगे तो। डॉक्टर ही रिकमेंडेड करता है इस सॉल्ट को, इमरजेंसी में काम आने वाला सॉल्ट है, कभी भी इसका सेल्फ यूज मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। बात करते हैं कि किस तरह से और क्या काम आता है। देखिए दोस्तों, जब इसके अंदर जो आता है लोराजीपाम, लोराजीपाम क्या है कि लोराजीपाम बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए यूज किया जाता है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के द्वारा। जैसे कि अगर एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाती है बहुत खतरनाक, या फिर नींद नहीं आ रही, या बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है, आक्रामक व्यवहार हो जाता है, मिर्गी की प्रॉब्लम में, तो इन प्रॉब्लम में ये इमरजेंसी के रूप में दिए जाने वाला सॉल्ट है। इसे बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ 4-5 दिनों के लिए ही इसे यूज किया जाता है, ज़्यादा लंबा इसका ट्रीटमेंट चलता नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है। तो दोस्तों इन प्रॉब्लम में काम आता है, कैसे काम करता है देखिए। ये कुछ दिमाग के अंदर कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं, उन केमिकल मैसेंजर को ये रोक देता है, जिससे कि मूड को बेहतर बनता है और नींद आने में आसानी होती है। अगर कोई व्यक्ति है उसको पैनिक अटैक आ रहा है तो यह देने से उसको एकदम रिलैक्स हो जाएगी मांसपेशियां और उसको नींद आ जाएगी। कहें कि यह प्रेगनेंसी और ब्रेस्टफीडिंग महिलाओं के लिए सेफ है या नहीं। देखिए, अगर ब्रेस्टफीडिंग और प्रेगनेंसी में अगर आप इस टेबलेट का यूज़ करना चाहते हैं तो सही तरीका ये है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। बच्चों के लिए ये टेबलेट है नहीं। सावधानी कुछ और भी है, जैसे कि अगर आप एल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ ये टेबलेट लेने नहीं है, ड्राइविंग करते समय इस टेबलेट का यूज़ नहीं करना है, और कुछ साइड इफेक्ट और भी हो सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखे तो इसे यूज़ मत कीजिएगा और अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा। तो दोस्तों ये था ट्रापेक्स 1 mg टेबलेट के बारे में फुल रिव्यू। कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कौन सी मेडिसिन में वीडियो देना चाहते हैं। वीडियो पर आने के लिए, वीडियो ऊपर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।